दिन है तीसरा और आज का व्लॉग शुरू होता है। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. दिन है तीसरा और आज का व्लॉग शुरू होता है लिफ्ट से, क्योंकि आज फिर हम लोग लेट से उठे हैं। हम लोग इन द सेंस हम खुद। नाश्ता पानी होने के बाद अभी हम लोग आ गए जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद की कुछ हिस्ट्री है। मतलब कहा जाता है, सपोज दैट एज्यूम किया जाता है 1652, 1655, 1656 के आसपास में इसको स्थापित किया गया था। शाहजहां मुग़ल एम्पायर के जो राजा रहा करते थे, बादशाह हिंद, उनके हाथों मतलब उनकी शौक़ थी, उनका दिली तमन्ना था कि ये मस्जिद बने, और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से बनवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी खूबसूरत सा एक नायाब सा चीज़ बनाया है जो दुनिया को दोबारा अभी तक ऐसा मिला नहीं है। जहाँ जहाँ इन लोगों ने राज किया है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ वहाँ इन सब चीज़ों का इस्टेब्लिश किया है। मतलब इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया के बारे में अभी मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी मैंने पढ़ा है, इस्लाम सिंध में इन्होंने मस्जिद इसी तरीके की बनवाई है। उस चीज़ से रूबरू हिस्ट्री में हम लोगों को नहीं की गई, लेकिन मैंने पिछले 15 दिन पहले इन सब चीज़ों को देखा है। जामा मस्जिद वहाँ भी है और इसी टाइप की है, लेकिन वहाँ निकाशी की हुई है टाइल्स से, ब्लू और वाइट से। खैर वहाँ की बात सेकेंडरी है, वहाँ की वहाँ देखिए। लेकिन भाई साहब माशाल्लाह कितने बेहतरीन सारी चीज़ें हैं। ये जो उर्दू में निकाशी हुई है पूरी हाथ से की हुई है, और आज की डेट में इस टाइप की निकाशी करना काफ़ी ज़्यादा मतलब अमूमन तौर पे ये दिखती ही नहीं है इन सब चीज़ों को। इन सब टाइप की चीज़ यहाँ है कुतुब मीनार में। मतलब मुग़ल एम्पायर जिस भी इन सब चीज़ों की तामीर कराते थे किसी भी बिल्डिंग की, मतलब इस टाइप की निकाशी होती थी। लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलने के बाद हमारी गाड़ी आ चुकी होगी। दिन हम लोग अब यहाँ से लोकल विज़िट करेंगे, जितने भी मुग़ल एम्पायर की कोशिश करेंगे जो जो चीज़ें हम लोग देखें, और जो लोग आए उन लोग को भी देखें। चलिए फिर चलते हैं इंशाल्लाह रहमान। हम लोग दिल्ली से चेकआउट कर रहे हैं होटल। भाई साहब यही वो गाड़ी है जिससे आज हम लोग दिल्ली घूमने वाले हैं। लिफ्ट आ गया, वापस से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा यार, बंद हो। ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट करने के लिए वापस ऊपर। नीचे कैब आ चुका है, लेकिन फिर भी ऊपर जाके पेमेंट करना, दिन कैब स्टार्ट होगा। पेमेंट हो गए, ठीक है, अल्लाह हाफिज। वहाँ कब कर रहे हैं हम, लाल किला बंद है, तो आज हम लोग जा रहे हैं लाल किला वापस। देखते हैं अंदर क्या सीन शॉट है। ये लाल किला का तोप है, किले का वो पार्ट है, यहाँ से पूरे किले पे निगरानी रखी जाती है। लेकिन अभी ये चीज़ इस्तेमाल हो रहा है, हैंड क्राफ्ट के सारे यहाँ चीज़ मिलते हैं। हुमायूं टॉम्ब्स हम लोग आ चुके हैं, और ये हुमायूं टॉम्ब्स का कुछ टिकट है, और यहाँ पे कुछ नॉम्स। लोग हुमायूं टॉम्ब्स के अंदर आ चुके हैं। हुमायूं टॉम्ब्स के अंदर ये 2 सेक्शन है। एक सेक्शन ईसा खान गार्डन के नाम से है, जिसमें अभी हम लोग आ चुके हैं, और एक सेक्शन है आपको जो हुमायूं टॉम्ब्स है, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब मॉडिफाई कुछ हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मतलब ये भाई साहब हुमायूं टॉम्ब्स। वापस से हम लोग हुमायूं टॉम्ब्स के बाहर घूमने के बाद का सीन है कि अभी हम लोग जा रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली टू कश्मीर, राजधानी। तो चलिए फिर चलते हैं वहाँ, देखते हैं वहाँ क्या सीन है। टाइम बहुत कम है। हमारी ट्रेन खुल गई, और ट्रेन खुलने से ठीक 4 मिनट पहले हम लोग ट्रेन के पास आए। काफ़ी ज़्यादा रश था, रश में हम लोग 30 टू 40 मिनट अप्रॉक्स हम लोग फंसे रहे। दौड़ के हम लोगों को ट्रेन पकड़ना पड़ा, और हमारे पास 11 लगेज था टोटल, सारे को लेके दौड़ना पड़ा, पर फाइनली हम लोग ट्रेन पकड़ लिए। ये हाल है, आगे कर क्या पता कैसा रहेगा। अभी पहुँचे हम लोग लुधियाना। जब मैंने पता किया कि यहाँ क्या फेमस है, लुधियाना क्यों ही फेमस है, तो इन्होंने कहा कुछ खास फेमस नहीं है, पर लुधियाना में एक चीज़ फेमस है, यहाँ के लोग ज़्यादातर चाहे तो किसान है चाहे तो जवान है, तो लुधियाना की ये चीज़ फेमस है। बाहर मुझे कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, और मैंने ये चिप्स लिए बाहर से, तो स्टेशन पर उतना ज़्यादा कुछ क्राउड नहीं है, तो जंक्शन ही है, बट मुझे कुछ ज़्यादा क्राउड नहीं लगा। द नेक्स्ट डे फाइनली हम लोग जम्मू आ गए, दिल्ली वाया पठानकोट लुधियाना, देन उसके बाद जम्मू। मतलब रूट मैप को मुझे पूरी तरीके से पता नहीं है कैसे क्या है, लेकिन लुधियाना में मैं सोया था रात 12:05 में अराउंड समथिंग